नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 पे। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं 12 की ओर। हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हुए। हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना रविवार शाम को ट्रेन से 4 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए। खुराना दिल्ली में मंच के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर मंच के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर चर्चा करेंगे। खुराना के साथ मंच के कार्यकर्ता नवल सिंह कछावा भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। खुराना की रवानगी से पहले कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और दिल्ली के लिए रवाना किया। इस अवसर पर संचित चौहान, मानस खत्री, निशान शर्मा आदि कई लोग मौजूद रहे। 12वें बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया, साथ ही सखियों के फूलों का टिकला लगाकर स्वागत सम्मान किया। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन 12 द्वारा बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया। संभागीय अध्यक्ष मंजू गर्ग, जिला अध्यक्ष शशिगर ने बताया कि कुसुम गर्ग के निवास स्थान पर बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया। बसंत महोत्सव पर सभी सखियों का पीले फूलों का टिलका लगाकर स्वागत सम्मान किया। गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया। भक्तिमय भजनों व बसंत गीतों में सखियों ने नृत्य के साथ आनंद लिया। पीले वस्त्रों को धारण करके आई सभी सदस्यों ने कई प्रतिभागियों में भाग लिया। जिला मंत्री मंजू बंसल, उपाध्यक्ष सरोज गर्ग ने बताया कि बसंत के रंग में प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान मंजू आनंद गर्ग, दूसरा स्थान नेहा गुप्ता व तृतीय स्थान नीतू गर्ग ने प्राप्त किया। लकी विनर वंदना अग्रवाल रही। सभी विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए। संभागीय अध्यक्ष मंजू गर्ग ने बताया कि शीघ्र ही संभाग स्तर जिसमें कोटा, 12, बूंदी, झालावाड़ की महिलाओं को शामिल करते हुए संभागीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर शीला सिंघल, आरती जिंदल, ज्योति गर्ग, टीना गर्ग, नीलू गर्ग, दीपा जैन आदि सदस्याएं उपस्थित रहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रचार दिवस पर सजाई साहित्य स्टॉल। 12वें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचार विभाग की ओर से रविवार को प्रचार दिवस आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान नगर में 4 स्थानों पर साहित्य स्टॉल सजाई गई। अम्बेडकर सर्किल, प्रताप चौक कॉलेज किराया व दीनदयाल पार्क में सजाई स्थलों पर सामाजिक सरसता के साथ संवाहक बाबा रामदेव, उत्सव धर्मी, भारत व नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तथ्य एवं वास्तविकता आदि पुस्तकों का विक्रय किया गया। प्रचार विभाग के जिला प्रभारी अजय गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टॉल का शुभारंभ संघ के विभाग प्रचार प्रमुख राजेंद्र कुमार शर्मा व भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर विभाग प्रचार प्रमुख ने कहा कि संघ का मूल काम हिंदू समाज का संगठन है। संघ के प्रचार विभाग का उद्देश्य राष्ट्रीय विचारों को समाज के जन जन तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर 2 फरवरी को साहित्य दिवस के अंतर्गत सद साहित्य बिक्री का आयोजन किया गया, जिसको समाज ने खुले दिल से स्वीकार किया। 12 शहर के अलावा जिले के सभी तहसील केंद्रों पर भी स्टॉल सजाकर साहित्य बिक्री की गई। आज 2 फरवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग द्वारा संपूर्ण 12 जिले में प्रचार दिवस के अंतर्गत साहित्य बिक्री दिवस मनाया गया, जिसमें 12 शहर व सभी तहसील केंद्रों पर साहित्य की स्टॉल सजाकर प्रचार क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा साहित्य वितरण किया गया। मुख्य रूप से 3 प्रकार के साहित्य इन स्टॉलों पर आम समाज के लिए रखे गए। सामाजिक समरसता के संवाहक इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।